क्लासेस। तो आज हमें पे इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 8 वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम जो प्रीवियस वीडियो में थे सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर, जहां पे हमने सब्लिमेशन के बारे में आपको बताया था, क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था, और आपको मैंने बताया था हाउ टू सेपरेट द इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या होता है? ऐसा लिक्विड जो कि आपस में घुलते नहीं है और दो फेज सेपरेट सेपरेट फेज हमें दिखाते हैं। उन हम क्या करते हैं, वहां पे सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं और उन दोनों लिक्विड को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग हम उसको फ्लास्क में ले लेते हैं। तो आज जो है हम पहले स्टडी करेंगे हाउ टू सेपरेट द मिसवेल लिक्विड। तो मिसवेल लिक्विड क्या होता है? ऐसा लिक्विड जो कि आपस में घुल जाते हैं, जिनमें दोनों के दोनों आपस में घुल के सिर्फ और सिर्फ एक फेज बनाते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम कोई दो लिक्विड को घोले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये हमारा ए है और एक हमारा यहां पे जो है वो बी होगा, इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनाए। मतलब क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमें सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट दिखाई ना दे। फॉर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमने एक तरफ जो है H2O ले लिया और दूसरी तरफ C2H5OH लिया, ये हम इसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमें सिर्फ एक ही फेज दिखाई देगा, दो फेज दिखाई नहीं देंगे। ऐसे लिक्विड को हम मिसवल लिक्विड कहते हैं। तो मिसवल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं ये हमें पढ़ना है। देखिए अगर हम दो कंपोनेंट फॉर एग्जाम्पल हमने दो लिया, जैसे एक ए है एक बी है, ए का हमने कहा ए हमने वाटर ले लिया और बी जो है हमने एथिल अल्कोहल ले लिया। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी जब भी सेपरेशन टेक्निक आप चूज करते हैं वो डिपेंड करता है कंपोनेंट के ऊपर कि कंपोनेंट का कैरेक्टर कैसा है। तो यहां पे जो है हमें कंपोनेंट के कैरेक्टर हम देखते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, लेकिन एल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी नहीं होती है, ये इससे पहले ही हमारा बॉइल हो जाता है। लेकिन क्या है कि इन दोनों में अगर मतलब इन दोनों को अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस एथिल अल्कोहल और वाटर का मोर देन 25 डिग्री सी होता है। मतलब क्या है कि एथिल अल्कोहल जो है आपका वो 60 डिग्री सी पे आपका बॉइल हो जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, आपके पास कैरेक्टर क्या है देखते हैं हम, इनको थोड़ा सही से देखते हैं। हमारे पास एक ए है एक बी, दो कंपाउंड है, दोनों को मैंने मिक्स किया जो कि मिसवल लिक्विड बना रहा। अब क्या है कि दो वन का जो है एक हमारा 100 डिग्री सी पे और दूसरा हमारा मान लीजिए 60 डिग्री सी पे बॉइल हो रहा, तो इनके बीच का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो आपका कितना आया, टोटल 40 डिग्री सी। तो 40 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट हम अब आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं थर्मामीटर में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि दो लिक्विड मिसवल हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सी हो, तो ऐसे लिक्विड को हम बाय द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम देख लेते हैं क्या है कि डिसॉल्व टू ईच अदर एंड ओनली फॉर्म वन फेज कॉल्ड अ मिसवेल लिक्विड हो गया हमारा। क्या है हमारा टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, हम पहले लिक्विड को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो उसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर फॉर्म में आ जाएगा, वो वेपर फॉर्म में आएगा तो उसे हम एक कंडेंसर के थ्रू गुजारेंगे, जहां से वो फिर से वेपर से लिक्विड में आ जाएगा और उसे हम दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, पहले वेपर में ले जाएंगे और वेपर से फिर से हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। अब डिस्टिलेशन जो है मैंने यहां पर आपको क्या बताया, मोर देन 25 के, सॉरी वो डिग्री सी नहीं के। अब जो है अगर
बहुत ही कम डिफरेंस हो, मतलब क्या है 25 डिग्री से कम, 25 के से कम डिफरेंस अगर होता है हमारा, तो हम उस पोजीशन पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो आइए हम बाय द डायग्राम समझते हैं, ये एनसीईआरटी से मैंने डायग्राम लिया है। और तो देखिए क्या हमारा, हमने क्या क्या यूज किया। एक मैंने यहां पे फ्लास्क यूज किया है, ये हमारा फ्लास्क है। फ्लास्क में मैंने मिक्सचर लिया है जो कि हमारा एसीटोन और वाटर का है। किसका? हमारा एसीटोन और वाटर का है। ये जो फ्लास्क है, ये फ्लास्क को हम डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क में मैंने थर्मामीटर यूज किया टू मेजर द टेम्परेचर। क्यों? मतलब ये मेजर मैंने क्या किया कि 100 से कम टेम्परेचर रखना है और 60-70 से ऊपर रखना है। ठीक, यहां पे मैंने जो है वाटर कंडेंसर यूज किया। वाटर कंडेंसर का मतलब क्या है कि एक तरफ से हम कोल्ड वाटर देंगे, दूसरी तरफ से हम हॉट वाटर बाहर निकाल देंगे। इस वाटर का क्या काम है कि ये जो वेपर फॉर्म में इधर से आएगा वह उसको वे लिक्विड में बदल देगा, और इसमें हम यहां पे लिक्विड के थ्रू हम एसीटोन को कलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे पहले क्या हुआ, जैसे ही मैंने हीट दिया, इसके जो एसीटोन के पार्टिकल्स है वो वेपर फॉर्म में आए, और वेपर फॉर्म में आने के बाद कंडेंसर से गुजर गए, और कंडेंसर ने क्या किया, यहां पे हमारा इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और लिक्विड जो है एसीटोन हमें फ्लास्क में मिल गया। तो इसे हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर 25 के से कम हो तो हम क्या करेंगे। ये जैसे हमने यहां पर सिंपल डिस्टिलेशन आपको बताया है कि 25 यहां के कैपिटल होगा, 25 से अगर ज्यादा डिफरेंस है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अगर 25 से कम डिफरेंस होता है तो हम वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि यहां पे हम वेपर से जो लिक्विड बनाना है इसके दोनों के दोनों कंपोनेंट यहां पे वेपर फॉर्म में बनेंगे, तो एक एक कंपोनेंट को हम यहीं पे लिक्विड बना देंगे और दूसरे को हम इधर बनाएंगे। फॉर जस्ट एग्जांपल हमने कहा ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हमारा 25 के से कम होगा तो क्या होगा कि दोनों के दोनों लिक्विड गैस में बनेंगे, वेपर फॉर्म में आएंगे। एक जो है वो यहां पे जाएगा और इसका जो यहां पे मैंने यूज किया है इसे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। देखिए ये जो आपका है इसे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। इसमें ग्लास बिट्स यूज करते हैं। क्यों? ग्लास बिट्स क्या करता है, ये सरफेस एरिया देता है फॉर कंडेंसेशन ऑफ द वेपर। यहां पे क्या होता है, ये सरफेस एरिया दे देता है जिससे कि हमारा एक कंपोनेंट जैसे ए जो है वो यहीं पे हमारा लिक्विड फॉर्म में होके वापस यहां पे आ जाता है, और कंपोनेंट बी जो है वो हमारा कंडेंसर के थ्रू यहां पे हमें दूसरे फ्लास्क में मिल जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन ए का भी और फ्रैक्शन बी का, दोनों का हमारा कंडेंसेशन हुआ, दोनों का हमारा यहां पे लिक्विड फॉर्म में हमने बना दिया। तो इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहेंगे, मतलब दोनों फ्रैक्शन का डिस्टिलेशन किया। तो ये टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब हमारा 25 केल्विन से कम का टेम्परेचर डिफरेंस हो दोनों कंपोनेंट में मिक्सचर का। तो आज के वीडियो में मैंने क्या सीखा है यहां पे कि हम मतलब मिश्रल लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं। मिश्रल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। फर्स्ट, तो अगर 25 डिग्री से ज्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, उसमें से जो होता है 100 डिग्री, मतलब जो एक कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और दूसरा कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम क्या करते हैं हीट इतना प्रोवाइड करते हैं कि जिसका ज्यादा है उससे कम हीट रहे और जिसका कम है उससे ज्यादा हो जाए, जिससे कि जो जिसका कम है मतलब कंपोनेंट बी, मतलब लेट्स अज्यूम दैट कि 60 डिग्री सी, तो 60 डिग्री सी से ज्यादा टेम्परेचर और 100 डिग्री सी से कम टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करते हैं। 60 डिग्री सी वाला जो है वेपर फॉर्म में आ जाता है, उसे हम कंडेंसर के थ्रू फिर से लिक्विड में बदल देते हैं और दूसरे फ्लास्क में हम ले लेते हैं। एक तो ये हो गया जो कि सिंपल डिस्टिलेशन है। सेकेंड, मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की। जब 25 डिग्री टेम्परेचर मतलब 25 केल्विन टेम्परेचर से कम का डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। यहां पे दोनों फ्रैक्शन जो होते हैं वेपर फॉर्म में आते हैं, उसमें से एक फ्रैक्शन को हम उसी फ्लास्क में और दूसरे फ्रैक्शन को कंडेंसर के थ्रू दूसरे फ्लास्क में हम लिक्विड फॉर्म में लेके उसे सेपरेट कर देते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो गैसेस फॉर द एयर, एयर से गैस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, और पेट्रोलियम से जो पेट्रोल के फैक्टर है उसे भी हम
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। यहां पे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं वो ग्लास बिट्स उसके साथ होता है। ग्लास बिट्स का क्या काम होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे कि एक कंपोनेंट वहीं पे लिक्विड फॉर्म में बन जाता है और दूसरा कंपोनेंट का वेपर जो है वो पास होके और हमारा कहां दूसरे कंडेंसर में जाके लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।